कहीं भाई पूछते हैं कि मार्जिन कितना है इसमें पेंट के काम में। क्या हाल है जी, वेलकम बैक टू अवर चैनल एनएस इंटेंस। तो स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। आज हम बनाएंगे ये बड़ा पेंट ग्रीन इंडिगो 2663। तो ये कलर डार्क है, देखो ये लाइट है, आगे डार्क होता जा रहा है, ये नीचे से थर्ड लास्ट है, तो ये बहुत ज़्यादा डार्क कलर है। अब इसको बनाएंगे और देखते हैं इसके अंदर कितनी डाई डलती है और कितनी नहीं। तो और जो भी भाई अपने चैनल पर नया है, चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक कर देना और शेयर कर देना। तो करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट, वीडियो लास्ट तक देखना और इन्जॉय करना। तो सबसे पहले इसको मशीन को रीफिल कर लेते हैं। ये देखो जैसे इसके अंदर तीन डाई डलेगी, जो हम पेंट बना रहे हैं 2663 उसके अंदर तीन डाई डलेगी, एक तो ये येलो साइड ब्लैक और ये एक्सटीरियर येलो, ये तीन डाई डलेगी उसके बाद हम पेंट बनाएंगे। तो पहले मशीन को रीफिल कर लेते हैं। मैंने ये कंटेनर खोल लिया है, येलो साइड का कंटेनर आया है 1 लीटर का, ये मैंने खोल लिया। इसको पहले मशीन पे रख देते हैं और अब इसको यहाँ पे डबल क्लिक करके ये देखो ये जो 10 नंबर कंटेनर है वो मेरे सामने आ जाएगा। ये आ गया, इसके अंदर ये डाई डलेगी, इसको हटा देते हैं और इसको यहाँ से उठा के डाल देते हैं। तो अब इसको थोड़ी देर साफ होने देते हैं, जो भी इसके अंदर पेंट है वो इसमें जो डाई है वो इसके मशीन के अंदर आ जाएगी और उसके बाद डालते इसके अंदर दूसरी डाई येलो साइड, तो डाल दी हमने, और उसके बाद डालते हैं एक्सटीरियर येलो और ब्लैक। तो ये यहाँ पे आ गया, अब इसको यहाँ पे ऐड करके जितना भी ऐड हो गया तो यहाँ से सेव करते हैं। सेव हो गया तो हमारे पास ये देखो यहाँ पे ये आ गई येलो साइड, कंटेनर भर चुका है, अब हम डिस्पेंस के लिए तैयार हैं, पेंट बनेगा जो भी। तो अब डालते हैं इसके अंदर एक्सटीरियर येलो, एक्सटीरियर येलो है ये 13 नंबर पे, ये कंटेनर आ गया सामने, इसको खोल लेते हैं और डाई डाल देते हैं इसमें। तो ये आ गई डाई, इसको डाल देते हैं इसमें। तो ये पूरा भर चुका है, जैसे कि ये मेरे ख्याल से 1.25 लीटर का कंटेनर होता है, ये पूरा भर चुका है। अब इसको यहाँ से ऐड करके डायरेक्ट सेव कर देंगे। तो ये यहाँ हमारे यहाँ पे ये ऐड हो गई। अब करते हैं ब्लैक को ऐड, ब्लैक वाला कंटेनर सेलेक्ट करेंगे यहाँ से और ये मशीन घूम के ब्लैक पे आ जाएगी। तो ये मशीन 6 नंबर पे ब्लैक है, जैसे ये 6 नंबर पे आके रुक चुकी है और इसको हटा के इसके अंदर डाल देते हैं। ये नहीं भरा यार पूरा। तो अब इसको डाई को साफ होने देते हैं, इतना इसको यहाँ से ऐड करके सेव कर देते हैं और अपनी जो हमें कलर बनाना है 2663, अब इसको यहाँ पे डाल के कलर बना देते हैं। तो यहाँ पे नंबर 2663 ये आ गया, जैसे कि हमें बनाना है एक्सल के अंदर, तो ये एक्सल आ गया यहाँ से। ये देखो इसके अंदर यहाँ पे हमें 20 लीटर के अंदर बनाना है, जैसे 20 लीटर की हमें दो बाल्टी बनानी है, तो 20 लीटर के अंदर डाई पड़ रही है 302 ml, 71 ml और 210 ml, तो इतनी डाई डालेगी इसके अंदर। तो बाल्टी को लेके आते हैं जल्दी से और उसको खोलते हैं, फिर आपको डिस्पेंस दिखाते हैं इसका।
तो ये अपने पास बाल्टी आ चुकी है और इसका ये लिड खोल के ढक्कन खोल के इसके अंदर का जो होता है ये पड़ा नीचे ये भी काट दिया। अब इसको बाल्टी रखते हैं यहाँ पे और डिस्पेंस करते हैं स्टार्ट। तो ये हमने बाल्टी मशीन के नीचे रख दिया है और यहाँ पे 20 लीटर सेलेक्ट करके, ये देखो 20 लीटर सेलेक्ट करके अब यहाँ से डिस्पेंस करते हैं स्टार्ट। ये डिस्पेंस कर दिया, ये यहाँ पे इसका वो आ गया, अब यहाँ से डालिए। तो सबसे पहले गिर रही है इसके अंदर ब्लैक, और अब इसके अंदर गिर रही है येलो ऑक्साइड जो कि है हमारे पास 325 ml शायद। देख रहे हो कितनी डाई गिरी है इसके अंदर, अब गिरे इसके अंदर एक्सटीरियर येलो, ये 210 ml एक्सटीरियर येलो। तो ये डिस्पेंस कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे लिखा हुआ आ गया रिमूव कैन। तो इसको बाल्टी को हटाते हैं और इसका जो ये हैंडल है इसको निकाल के इस मशीन में रखते हैं। इसके ऊपर भी रखा है कुछ, इसकी भी जल्दी वीडियो आएगी, ये वॉलपेपर की बुक्स हैं इसके अंदर डिज़ाइन है कल्सर, तो इसकी भी जल्दी वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर भी। तो अब इसको मिक्स करते हैं उसे कंटेनर इसके मशीन के अंदर डाल के, तो उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो ये बाल्टी मशीन के अंदर अच्छी तरह से फिक्स कर दिया और अब इसका ये लगाते हैं यहाँ से। तो ये अपनी सेकंड बकेट भी आ चुकी है मशीन पे और ये जो ये है मिक्स की थी वो ये रखी है। अब इसको भी जल्दी से डिस्पेंस करते हैं, 20 लीटर सेलेक्ट किया और डिस्पेंस। तो ये अपनी जो दूसरी बकेट है ये भी डिस्पेंस, इसका भी डिस्पेंस स्टार्ट हो चुका है। अब आएगी इसके अंदर ब्लैक, ब्लैक कंप्लीट होने के बाद आएगी इसके अंदर येलो ऑक्साइड। तो अब ये येलो ऑक्साइड के लिए घूम चुकी है मशीन और 10 नंबर कंटेनर आ चुका है। अब इसका देखते हैं डिस्पेंस कैसे होगा। ठीक है, कई बार ना ये कंटेनर जो येलो ऑक्साइड वाला कंटेनर गड़बड़ कर देता है,
जो इसकी ये पिचकारी होती है ना डाई गिरने की, ये साइड में मार देता है कई बार, तो अब ठीक है। नोजल क्लीन कर दी थी इसकी। तो डिस्पेंस आखिरकार 4 मिनट के बाद कंप्लीट हो चुका है और लैपटॉप में आ गया है रिमूव कैन। और अभी इसके अंदर डाई देखते हैं। भाई साहब पूरा कंटेनर भर रखा था, ये देखो कहाँ पे आधा कंटेनर हो गया 2 बाल्टी के अंदर ही, इतनी ज़्यादा डाई पड़ी है इन 2 बाल्टियों के अंदर। अभी एक कम से कम 2 से 3 बाल्टी और बनेगी इसी कलर की, तो इसको भी जल्दी से मिक्स करते हैं और फिर दिखाते हैं आपको कलर कैसा आया है। ये है जी अपनी दोनों बाल्टियाँ जो हमने ये कलर तैयार किया था ग्रीन इंडिगो 2663। तो अब इनको खोल कर देखते हैं इनके अंदर कलर कैसा आया है। एक का तो मेरे को लग रहा है ठीक है, दूसरे का देखते हैं। तो ये देख लो जी कलर, ये बीच वाला कलर है अपना 2663 और ये बाल्टियों कलर है। तो कलर तो आया बिल्कुल ओके। और कई भाई पूछते हैं कि मार्जिन कितना है इसमें पेंट के काम में। भाई मार्जिन वगैरह कुछ नहीं है अपने, ये है कि खर्चा पानी चल जाता है शुरू में। तो जैसे अभी मेरी दुकान को 2 साल हुए हैं तो खर्चा पानी निकल जाता है, दुकान का सामान आ जाता है, तो अब इतना मार्जिन है नहीं। मार्जिन तो भाई तब होगा जब आप स्कीम में माल उठाओगे तो आपको मार्जिन का, तो आपको मार्जिन बचेगा, जो स्कीम है वो बचेगी, अदरवाइज तो कोई फ़ायदा नहीं है भाई। उससे पहले तो लोगों की सेवा करनी है, जैसे अभी हम सेवा कर रहे हैं आपकी। तो जब तक स्कीम में माल नहीं उठाओगे तब तक आपको मार्जिन का कुछ भी आइडिया नहीं लगेगा कितना मार्जिन है कितना नहीं है, क्योंकि कंपटीशन बहुत है आज के टाइम में मार्केट के अंदर। तो बस इतना ही था आज की वीडियो में। अब ये 2 बाल्टियाँ तैयार हो चुकी हैं, इनके बाद 2 और होंगी तो फिर इसी कलर की। अब आप देख लो कि इनके अंदर डाई कितनी डली है, कितनी मतलब कि 300 300 600 600 ml तो डली है इसके अंदर येलो साइड, और 2 420 ml डली है इसके अंदर ये 2 बाल्टी के अंदर एक्सटीरियर येलो, और 150 ml डली है ब्लैक इन 2 बाल्टियों के अंदर। अब आप देख लो कि इन दोनों बाल्टी के अंदर एक लीटर के आसपास डाई डल चुकी है। और जो डाई का रेट है उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा डाई कितने की आती है। जो एक्सटीरियर येलो की कलरेंट होता है वो सबसे महंगा आता है, वो आता है लगभग 1600-1700 के आसपास 1 लीटर का। आप मार्जिन पूछते हो 1700 रुपये का 1 लीटर का कलरेंट आता है मशीन के अंदर, जो हमने ये आपको दिखा देता हूँ। जो हमने ये कंटेनर फुल किया था ना, अब आप देख लो इसका लेवल आधा आ गया, हमने फुल किया था ये जो एक्सटीरियर येलो कंटेनर है कम से कम इसका 1 लीटर का जो कलरेंट आता है वो 1650 से 1700 के आसपास का आता है। और ये अपना है येलो साइड का, येलो साइड भी देख लो ये भी पूरा भर का था, इसमें से आधे से थोड़ा ज़्यादा है। तो यही था आज की वीडियो में, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक कर देना और शेयर कर देना। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ जल्द ही। राम राम।